रमजान अल मुबारक की आमद से एक आम आदमी है तवक्को करेंदा पिया है जो रमजान के महीने में हुकूमत कोई रिलीफ फराम करे सी ते वो सुख का साग हिंसी जिन्हों जो आवाम को रिलीफ मिलन ते परे दी गाल है अशे खुर्दनोश विच बेपनाह वधारे अते महंगाई ने आवाम की कमर त्रोड़ ते रख दी है। हुकूमत वालों प्राइस कंट्रोल कमेटी निरखा का तयन तो करें दी है पर कहीं भी मार्केट बन ते चेक एंड बैलेंस नहीं रखा वेंदा जिन्हों नतीजा दुकानदार हजरात मन माने कीमतों ते अशे खुर्दनोश फरोख्त करें देन अते आवाम खरीद करन ते मजबूर है। अक्सर दुकानों से प्राइस लिस्टा भी आवेजा नहीं कीतियां वेंदिया यहाँ पे उस रेट से मिल नहीं रहे। यहाँ पे 100 रुपए किलो लिखा हुआ है मसाला और वो दे रहे हैं 40 रुपए पाव, यानी कि 25 रुपए पाव बन रहा है लेकिन वो 40 रुपए पाव दे रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना, मैंने ये कहा कि हुकूमत ने तो स्टेप लिया यूटिलिटी इस मार्केट के अंदर। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि भाई दुकानदार साहबान मजबूर है, वही महंगाई है, वही सारे सिलसिले हैं, वही सब कुछ चल रहा है पुराने। भाई मार्केट में तो वही रेट महंगाई रेट चल रहा है, आप गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। वो दो चीज दो जगह पे चीज है, दो लेने के लिए एक जहाँ कुल्लू है तो उसमें पाव लेके गुजारा करता है, समझे। अभी कुल्लू ले नहीं सकता है, अभी 200 रुपया 400 रुपया किलो खजूर है। हुकूमत ने दावे के सारे झूठे, कुछ हुकूमत है ही नहीं है। हुकूमत ने जितने दावे के सब झूठे, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, आवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है। दुकानदारों के पास कोई लिस्ट लिस्ट भी नहीं है और अच्छी चीजें ना, कोई रिलीफ नहीं मिला। ये तो कब्र खोद दी गरीबों की, मिडिल क्लास सफेद पोश आदमी अल्हम्दुलिल्लाह मर चुका है। रेट अपनी मर्जी के सब ले रहे हैं, ये तकरीबन कोई पूछने वाला नहीं है। महंगा बेच रहे हैं लोग, हर चीज महंगा बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रिलीफ कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती कैसे होगा? गरीब आदमी का तो मुश्किल होता है। तो आप विजिट तो करें, वो इनकी इनको पे बेचते भी है या नहीं भी तो पता तो चले, कोई इंस्पेक्शन करने वाला है भी नहीं। दूजे पासे दुकानदार हजरात होलसेलर तो अशिया महंगे दामों मिलन का रोना रोंद। दुकानदारों का आखना है जो हुकूमत वालों निरखा के तयन कहीं भी होलसेलर तो राय नहीं की वेंदी। होलसेलर तो अशिया महंगी जना जो हुकूमत वालों तयन करदा निरख विच सस्ती हुंदी है, जिंदे ते उन्हां को कारोबार करन भी मुश्किल थी चुके। वो अशिया महंगे निरखां ते खरीद करन देन अते सस्ते निरखां ते कीवें फरोख्त करन। हम नहीं बढ़ा दे, हमारे पीछे वाले जे बढ़ा दे तबे मजबूरन जे बढ़ाने पड़ते हैं। हमें तो शौर, हमारे तो 12 महीने काम, एक दिन का काम तो है नहीं। 12 महीने का सब 30 साल से हमें बैठे हुए, अल्लाह के फजल से आज तक कोई शिकायत नहीं हमें। ये हमेशा यही हो रहा है कि जो इनकी रेट लिस्ट आई हुई ना, ये हर चीज में दाम कम है और हमारे दाम ज्यादा है। इसलिए होलसेल में दाम ज्यादा है और ये रेट लिस्ट में दाम दे रहे ना, ये समझ लो आधे अपने दाम है। शहरियों का आखना है कि हुकूमत को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मजीद फाल बनाए वजन की जरूरत है ताजो रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जैन अली दिनाल, अदील कुरैशी, रोही टीवी, कराची।